hero. Wo hero hai, hero hai, wo hai hero. Aayega tumko karega zero. Vaksh ke zara, khare ko khara, bure ko bura. आप लोग ये मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हैं? मैंने इलेक्शन हारा है, कोई हिम्मत तो नहीं है। नतीजा जो भी हुआ हो, इस शहर में पहली बार किसी ने शांति नारायण के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है। हमें ये जंग जारी रखनी है, अपना काम चालू रखना है हमें, और जहां जहां मौका मिले हमें शांति नारायण के कारनामों का खुलासा करना है। तू अपने आप को मुझसे बड़ा समझने लगा? शांति नारायण से बड़ा कोई नहीं है। मुझसे बड़ा कोई नहीं है। चार पांच अफवाहें फैला दो। नलिन यादव हार बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए खुदकुशी कर ली। लखेल थी, बीवी को पता लग गया, मुंह छुपाकर भाग गया। और कुछ ऐसा भी छुपा दो कि हमने ही से मारा है और लाश गायब कर दी। ऐसा क्यों? कभी कभी झूठ को मनवाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत सच भी मिला देना चाहिए। Ha ha ha!
वाले हैं। सीट मिल गई भाई को है। मैं नहीं पता। जी नो, तू क्या पीता है? अंगूठा। ए भाई साहब, ठीक से बैठिए। अब ठीक है भाई साहब? पैर नीचे रख। क्या रे? औरत लोगों का ठेका लेकर बैठा है क्या? हीरो बनता है तू? मत कर। क्या कर लेगा? मैं मार पड़ेगी। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, जाओ यहां से। चाकू, एक नकल, एक चेन, 5 कुंटे, और तू अकेला कैसे के मार रहे सबको? बहुत बुरा हाल है उनका। बॉडी बिल्डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, बॉडी बिल्डर नहीं रहे। बॉडी बिल्डिंग से कोई फाइटर नहीं होता। इसको जरूर जुड़ो कराटे आते होंगे। त्रिपाठी सर, मेरा बेटा दिन रात जैकी चैन की पिक्चर लाके देखता है। इतना सा है, क्या बोलेंगे तू? अब सर, अपने बेटे की कहानी सुना के बोर मत करिए, इनका हिसाब करिए। अरे हाँ, वो जोड़ी तो कंप्लेन करने से डर रही है। अब पुलिस केस होगा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर। उनको सालों को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं जेल में जाने से, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। हैं, अभी तू बोल क्या करना है? कुछ नहीं। चार घंटे हो गए ट्रेन आकर, 10 बार स्टेशन फोन कर चुका हूं। कहां था तू? वेर आर यू? अरे बोल तो, कहां था? था क्या मतलब?
अब तो तेरे सामने हूँ। ओके, वेलकम होम, स्वीट होम। 550 स्क्वायर फीट, पैंडर रिक्लेमेशन, बट हाउस अंडर रिनोवेशन। लेकिन सब कुछ है यहाँ। ये देख, ब्रिटनी है हॉल में, ये बेडरूम है, अंदर जेलो है और बाथरूम भी है। और रही बात किचन की, तो वो तो बाजू में होटल वाले के पास है, जो चाहे वो फोन करके ऑर्डर कर लेने का। देख दिखाऊं कैसे। 263-27890। हेलो, बबलू विला में दो चाय भेज रहे। बॉम्बे, फिर बम्बई, अब मुंबई। हर बार नाम बदलता है ये शहर। देख देख, लेकिन ये शहर नहीं बदला, वही है। माइंड ब्लोइंग। अच्छा किया है तूने गोवा वोवा छोड़ दिया। ऐसे भी कुछ रहा नहीं वहां, अब यहाँ रहे मेरे साथ, मेरे पास बबलू विला में। तू कुछ काम भी करता है यहाँ पर? ऑफ कोर्स यस। अरे मैं इस बड़े शहर के सबसे बड़े डिस्को वेव्स में काम करता हूँ। इसको समझता है ना, सब तरह के लोग आते वहां, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, मॉडल्स, वो सारे वहां एक साथ एक छत के नीचे नाचते। ये जो लोग कहते हैं ना इंडिया इज अ पुअर कंट्री, उन सब लोगों को 12 बजे के बाद रात को मुंबई शहर में छोड़ देना चाहिए, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पैसा बहता है यार यहाँ के डिस्कोज और क्लब। अपना जो बॉस है ना, वेव्स का ओनर डूड है अपना, घर जैसा एकदम खास। तेरे जॉब के लिए मिलवाता हूँ तुझे, 100% वो मना नहीं करे। श्योर। देख नौकरी तो तुझे मिल ही जाएगी, रही बात छोकरी की तो खुद ढूंढ लेना। अरे करीना, करिश्मा, प्रीति, दोनों झिंटा जांग्यानी सब यही रहती है। वो देख देख, सिटी की नई बॉम्बशेल अपने क्लब में आती है। शी नोज मी। एक्चुअली क्या है कि वो फैन है मेरी, बहुत बड़ी। तेरे तो सभी फैन है। तू भी हो जाएगा। सूरत
हसीनी ये जमीन है। म्यूजिक वीडियो देखा मैं, इतने कम कपड़े पहनती है ना तू, मन करता है मेरा कि वो भी उतार दूं। हाँ बोल। जब मैं फोन करता हूँ कोई काटता नहीं। देखो मुझे तंग करना बंद कर दो। क्या करेगी तू? तेरे बाप को बोलेगी? क्या बोलेगी? मुझसे शादी करा दे। ए! तू बिस्तर में भी इतनी गर्म रहती है क्या? गंदी गंदी बातें करता है ना वो।
तुम अपना नंबर बदल क्यों नहीं देती बेटा? शांति भाई बात करेंगे। बोलिए। बोलना तो आपका काम है, कहिए कब छोड़ रहे हैं हमारे लड़कों? टाइम लगेगा शांति भाई, उन पे मर्डर का चार्ज है। टाइम? टाइम कल सुबह तक का देता हूं, रखता हूं। सुनिए, तुम्हारा भाई। हाँ मेरा भाई। उसे प्लीज कहना कि मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दे। वो तो तुम्हारा भाई है, वरना। डीसीपी विजय सिंह रावत, कहने से कौन किसी की सुनता है? आप सुनते हैं। क्या करना चाहता है उसकी बेटी के साथ? मेरा क्लब इस शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। टाइम पास के लिए। पहले इनके पिताजी का यहां राम भरोसे हिंदू होटल था, अब दोनों नहीं रहे। थोड़ा कम बोला कर। सॉरी। ये क्लब मैं नहीं चलाता हूं, दो चीजें चलाती हैं, यहां का म्यूजिक और ये शराब। शराब कस्टमर की सबसे अच्छी दोस्त है और बहुत बड़ी दुश्मन भी। जहां तुम खड़े हो वहां 6 घंटे बाद पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये चार दीवारी लोगों की पहचान बदल देती है। ये दरवाजे के बाहर आप कोई भी हो, एक बार अंदर आ गए ना तो सीधे फोटो छपती है, वो भी page 3 में, विथ वुमन एंड वाइन। आएगा नहीं? करेक्ट। मुंबई के लोग भी कमाल है, कपड़े तो दुबई और बैंकॉक से खरीद के लाते लेकिन यहाँ कुछ नहीं पहन के आते। बाउंसर मतलब सिक्योरिटी यानी डिसिप्लिन। तुम्हारा काम झगड़ों को रोकना है, उनमें पड़ना नहीं। यहाँ बड़े बड़े अच्छे बुरे सभी लोग आते हैं, वो जैसे भी हालत में हो इज्जत के साथ ले जाकर उन्हें बाहर छोड़ना तुम्हारा काम है। उनकी गालियां तुम्हारे लिए तालियां हैं, जितनी भी बजाएं सुन लो। हाँ बात हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए तो अपने हाथों की खुजली कभी भी मिटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अरे बॉस ये तो जेम्स के बाएं हाथ का काम है, दाएं का भी, और लातो लातों से भी अच्छी फाइट करता है। क्यों जेम्स, मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया ना? तुम्हारा दोस्त कुछ बोलता नहीं? बोलता है ना, लेकिन हमारी तुम्हारी तरह नहीं, जब जरूरत होती है तभी बोलता है या जब ये बोलने देता है। ये बॉस का बहुत बड़ा एहसान हुआ यार, यू आर वेरी लकी। बबलू कोई किसी पे एहसान नहीं करता, उन लोगों को मेरी जरूरत थी, मुझे उनकी। ठीक है ना यार, मैं तो क्या है खुशियों के बहाने ढूंढते रहता हूँ। लेट्स एंजॉय। इसकी मौका, ये था राधे, राधे नारायण, इस शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल, और उसका बड़ा भाई शांति इस साल फिर से इलेक्शन जीत गया। दोनों भाई के पास इस सिटी का पासवर्ड है, जब चाहे किसी की फाइल ओपन कर दी, जब चाहे बंद, जब चाहे किसी को उठा लिया, जब चाहे किसी को मरवा दिया। मुंबई के क्राइम चार्ट में इनका रिकॉर्ड नहीं है, छठे हुए बदमाश है दोनों। एक बात बोलूं बबलू, मारने वाले से बड़ा क्रिमिनल होता है मार खाने वाला, और उससे बड़ा क्रिमिनल होता है खड़े होकर देखने वाला। बात को तो ठीक कह रहा है जेम्स, लेकिन ये बातें ना किताबों में अच्छी लगती है पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन मेरा राशन कार्ड मुंबई का है और मुझे पता है यहाँ चुपचाप तमाशा देखना ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
छोड़। थोड़ा महंगा है लेकिन हमें क्या खरीदना है ना, बस सिर्फ फ्री एडमिशन हो जाए। लेट्स गो, कम चला। हाय डूड, व्हाट्स अप? जिम वकील भाई। हेलो। जिम के मैनेजर। हेलो। इनके बॉडी में मत जा, ये यहाँ काम करता है, एक्सरसाइज नहीं। ये जेम्स है अपना बेस्ट फ्रेंड, कल से ये भी रोज मेरे साथ जिम आएगा। तेरे साथ आज तू कब आया था पिछली बार बता? क्यों 29th को नहीं आया था? अच्छा। क्या है वकील भाई, ये जिम में इतना क्रीम क्राउड आता है ना कि बॉडी बनाए बगैर यहाँ आ ही नहीं सकते। मैं बॉडी बनने का वेट कर रहा हूँ, तुम पहले जिम्स को मेंबर बनाओ यार। 5, 6, 7, 8 वेट जिम, 9, 10 जिम्स। वो देख होल्डिंग वाली यार, देख देख जिम्स। हाय, पहचाना? नहीं। What? अरे आई मी माई सेल्फ बबलू, unforgettable.com। हाय, आई रॉक मुंबई, आई एम वर्किंग इन वेव्स, जहाँ आप अक्सर आती है। यू नो अंडर 18 जनरली नॉट अलाउड इन वेव्स, फिर भी मैंने अलाउ किया आपको और फिर भी आप भूल गई। हाय, एक्चुअली आप बहुत अच्छा डांस करती है। A friend of mine. Hi. Hi. And she's a big gorgeous model. We saw your big hoardings. She's absolute party animal actually. And he fights animals in party. Chale. Actually. So Saturday night, come in waves. So many waves. Bye. We'll be right back.
प्लीज बाहर जाइए। लीव नाउ। ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? हाथ छोड़ इनका। मैं कहता हूँ हाथ छोड़ इनका। तू जानता है इनको? अरे ये कौन है, जानता है तू इनको? राजे साहब कहीं चोट तो नहीं आई? राजे साहब आई एम सो सॉरी। राजे साहब मैं कहता हूँ माफी मांग, ये काम करने का कोई तरीका है? राजे साहब आई एम सो सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। आपने जो बताया मैं वही कर रहा था। शट अप, आई एम सो सॉरी। समझा नहीं तो यू आल्सो गेट आउट फ्रॉम। जाने से पहले माफी मांग। जाने दीजिए राजे साहब, इसको नौकरी से ही निकाल देता हूँ। इसमें थैंक्स की क्या बात है, अपना काम कर रहा था। वही तो, यहाँ अपना काम करता कौन है? मैं यहाँ नया हूँ। मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ? थैंक यू की क्या बात है, मैं भी अपना काम कर रही थी। अपना नाम तो बताओ। जेम्स। जेम्स। ये क्या है? क्या ये क्या है? खतरों से लगी है। मुझे येड़ा समझा? जानता हूं मैं खरोच है, लेकिन मेरे मुंह पे कैसा आया रे? कैसा आया? राधे भाई, रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी डिस्को में, और वहां पर एक लड़का था, कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा था वो, उसी ने किया ये। कितने आदमी? एक। कितने आदमी देख रहे थे? 200 में भी। इतने सारे लोगों के सामने राधे को मारा? लेकिन राधे भाई,
डिस्को के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी? उसे दुनिया से निकाल दे। वो राधे के आदमी लोग डिस्को में आए थे तुझे ढूंढने के लिए, लेकिन अपने बॉस ने कह दिया कि वो तेरे बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ भी बोल बोले तुझे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन अपना बॉस आदमी बहुत अच्छा है, किसी को कुछ बताएगा नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि वो राधे ना आर्ट पैक डाउन था और पुअर विजिबिलिटी के कारण किसी को देख नहीं पाया, और किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। किस्मत मेरी नहीं, किस्मत उसकी अच्छी थी। कल रात मैं ड्यूटी कर रहा था। ओ, यहाँ ड्यूटी करने वालों की यहाँ तो ड्यूटी चली जाती है, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तेरी चली गई ना? पता नहीं यार, तुम लोग इतना डर डर के कैसे जीते हो। निशा, अब ये सोचकर टाइम वेस्ट मत करना कि मैंने तुम्हारा नंबर कहाँ से लिया। जिम से मिला मुझे तुम्हारा नंबर। पापा तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। थैंक्स निशा, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो सब मुझे नहीं मालूम, बस पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके। बेटा, तुमने निशा के लिए जो किया, मैं वाकई उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ गलत है जब आप जैसा पुलिस ऑफिसर ये सब कह रहा है? प्रॉब्लम ये है जेम्स, कि पुलिस अफसर्स गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और गवर्नमेंट उनकी सर्वेंट है। तुम गोवा छोड़कर मुंबई क्यों आ गए? बहुत लंबी कहानी है, मेरे पास बहुत टाइम है। कभी किसी से डरते नहीं हो ना? डरते वही हैं जो गलत काम करते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, मैंने तो बहुत से गलत काम किए हैं। जैसे? जैसे पापा के पॉकेट से पॉकेट मनी चुराई है, टीचर के नाक के नीचे से नकल की है, ट्रैफिक हवलदार को आंख मार के पटाया है और तुम्हें बिना बताए प्यार किया है। और अभी अभी बहुत बड़ा झूठ बोला है। की किरणों की लाली में तुम हो, गलियों में फूलों की कलियों में तुम हो, जहां भी नजर है तुम्हारा असर है, सभी को पता है, सभी को खबर है, तुम बेखबर हो। सरसराहट में तुम हो, सवेरे की मीठी गुदगुदाहट में तुम हो, जहां भी नजर है तुम्हारा असर है, सभी को पता है, सभी को खबर है, तुम बेखबर हो।
बनते साथ रंगों में तुम हो, खुदी में मचलते पतंगों में तुम हो, जवानी सी महकी बहारों में तुम हो, सांसों की दहके शरारों में तुम हो, मोहब्बत के बहके नजारों में तुम हो, जहाँ भी नजर है तुम्हारा असर है, सभी को पता है सभी को खबर है तुम बेखबर हो, सूरज की किरणों की लाली में तुम हो, तुम हो सर, व्हाट हैपेंड सर? निशा, वो तो नहीं आई आज एक्चुअली। सर एक्चुअली कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई कभी भी आता है। एक्चुअली 9 to 9 जिम ओपन रहता है, तो ये कोई स्कूल तो है नहीं सर। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ सर, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर, तो मैं चाहता हूँ वो तो लाइफ में। चुप! जिम के रिपीटेशन की माँ बहन हो जाएगी सर। सर क्या लगती है वो तेरी निशा, बहन है तेरी? बोल, तेरी माँ है क्या वो? बोल। अगर एक मिनट में यहां से नहीं गया ना, उसका तू दूध पीता है ना? क्या किया तूने? पागल हो गया क्या तू? पता है तूने किसे मारा? पता है? बताया था ना उन लोगों के बारे में तुझे? चल मेरे साथ, उनके घर चलते हैं, उसके पैर पकड़ के माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, झगड़ा उन लोगों ने शुरू किया था। तू सॉरी बोलेगा तो क्या जाएगा? तू छोटा हो जाएगा क्या? तू चल मेरे साथ। अरे सिर्फ तू खड़े रहना, मैं उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा बस। जब गलती उसकी है तो मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि वो लोग जान ले सकते हैं तेरी। उसका उल्टा भी हो सकता है। हाँ हाँ पता है, तू बहुत बड़ा फाइटर है, बहुत बड़ा। पता है यहाँ कैसे मरते हैं फाइटर? क्रियाकर्म होता है, दूसरे दिन अखबार में फोटो भी छपता है, लेकिन वो श्रद्धांजलि वाली कॉलम में नहीं, मिसिंग लापता वाली कॉलम में। मैंने जो किया है ठीक किया है, और ऐसी नौबत दोबारा आएगी
तो फिर यही करूंगा। उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा रहने का सही मतलब अपनी जान को नहीं, अपनी इज्जत रखना होता है। जेम्स नाम है उसका, शहर में नया आया है। हेलो जेम्स, जेम्स मैं वकील। अरे जिम मैनेजर, अरे यार शांति के लोग इधर आए थे, बहुत मारा यार कमीनों ने, साला जिम तोड़ दिया मेरा यार। तेरा और पब्लू का एड्रेस अरे मैंने नहीं दिया यार, वो रजिस्टर में से फाड़ के ले गए। हाय, वो झगड़ा करने के लिए आए लेकिन मुझे नहीं करना है सच्ची। आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? एक मिनट रुक, हेलो, बाद में बात करता हूँ। हाँ दोस्त का फोन था। जेम्स कहाँ है? कौन जेम्स? कौन जेम्स? अच्छा, वो गोवा वाला जेम्स। गोवा से कोई भी आता है समझता है मेरा घर धर्मशाला है। साले को भगा दिया मैंने। कहाँ है? भाग गया होगा, अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था। मैं भी बहुत डांटा उसको। मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगा। वो जहां कहीं भी होगा उसे पकड़ कर मैं ले आऊंगा आपके पास, प्रॉमिस। आप घर जाके सो जाओ एसी डाल के, मैं ले आऊंगा उसको। आपकी नींद हराम कर दी साले ने, और साथ में मेरी भी। छोड़ेंगे नहीं उसको हम, मैं भी नहीं छोड़ेगा। मैं और पीछे नहीं जा सकता, चाहिए तो फिर से दरवाजे से शुरू कर सकते हैं। या घर जाओ, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा सच्ची, गॉड प्रॉमिस।
सीधा खड़ा हो जा, साहब आ रहे। डालकर देखे अच्छा नहीं लगता मुझे, मुझे भी। सर इसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, कहीं कोई सबूत या हाथ के निशान भी नहीं है, ना ही कोई पिछला रिकॉर्ड। केस फाइल कर सकते हैं लेकिन छूट जाएगा। उसने राधे नारायण को मारा है, मेरे भाई को। शांति भाई तो कैसे करना चाहिए? मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे यहां से जाने के बाद वापस अंदर जाना। अंदर एक ऐसा ही है, क्या नाम है उसका? पुरुषोत्तम पाटिल, नया ऑफिसर। हाँ, उससे कहना। पाटिल। हाँ सर। खोली से मत सड़ लग रहे भड़विया। आप है निचिकर, निचिकर साले। कितना गोली इसके अंदर? जी एक एक गोली है सर। ₹1,00,000 मिलेगा, 1 महीने की छुट्टी। थोड़ी तकलीफ होगी, सह लेना। अरे इसने पाटिल पे गोली चलाई है। तेरा अकाउंट क्लियर कर दिया मैंने, उसकी लाश को ठिकाने लगा रहे होंगे। शांति भाई, शांति भाई
वो भाग गया। जेम्स, मैं शहर में सिर्फ दो लोगों को जानता था, बबलू और तुम। बबलू नहीं रहा, उसकी गलती यही थी, वो मेरा दोस्त था। अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं वो लोग कौन है और मुझे कहां मिलेंगे। पापा, पापा होंगे। बोलना काम हुआ इधर। और आदमी भेज। Oh.
ना चाकू ना बंदूक, हमारा सबसे बड़ा हथियार है डर। आज तुम सबके हाथ से उलड़का निकल गया, कल लोगों के दिलों से मेरा डर निकल जाएगा। तो अब इस डर को जिंदा रखने के लिए उस लड़के का मरना बहुत जरूरी है। कोई छुएगा भी नहीं उसे। छुएगा भी नहीं। आप भी नहीं। सब ठीक है, तुम उनके साथ वापस चली जाओ। मेरे साथ रहोगी तो सब कुछ बदल जाएगा। काफी कुछ बदल चुका है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सब मेरी वजह से हुआ है। शांति भाई को बोल, इस वक्त मड आइलैंड में बोना वेंचर चर्च फेरी क्रॉस करके। बोना वेंचर चर्च, देयर वाज अ मैन ऑफ द फरीसीज नेम्ड निकोदेमस, अ रूलर ऑफ द ज्यूज। दिस मैन केम टू जीसस बाय नाइट एंड सेड टू हिम, रब, वी नो दैट यू आर अ टीचर कम फ्रॉम गॉड, बट नो वन कैन डू दिस थिंग्स दैट यू डू अंडर गॉड। Jesus answered and said to him, "Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Most assuredly, I say to you,
Unless one is born of water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Thank you.
करके वाला मुझ साला बाल बर्तन लड़की को देगा क्या बोलो साला शांति भाई राधे अभी छोटा है बच्चा है बच्चा है हाँ बोल एक मिनट राधे जंगल में छुप गया जंगल में छुप गया है तो कौन सी आफत आ गई भाई वो मुझे मांगता है जिंदा जंगल में शिकार है तो शिकारी भी पहुंच जाएगा All the best. Thank you.
तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो निशा। तुम तो मेरी बात समझ रहे हो ना। मुझे मालूम है कि तुम्हें बबलू का बदला लेना है। लेकिन अगर इस बीच तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? से कहीं दूर चले जाएंगे जहां वो लोग हम तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। कहां छुपे होंगे? कब तक भागेंगे दोनों? हां पकड़ लेंगे। क्या रे, तुझे क्या लगता है क्या कर रहे होंगे वो? जंगल है, रात है, लड़का लड़की जवान है, और क्या करेंगे? हंस क्यों रही हो? मैंने फिल्मों में ये सब होते हुए देखा था, असलियत में अब देख रही हूँ। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। पहली बार किसी से डरे हो, वो भी मुझसे। ये किसकी आवाज थी? टाइगर। टाइगर तो ऐसी आवाज नहीं करता, टाइगर तो रोर करता है ना? दूसरी आवाजें भी करता है टाइगर। तुम मजाक कर रहे हो ना? हाँ? मैं कभी मजाक नहीं करता निशा। पीछे मत देखना, हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। क्या हुआ? कुछ नहीं। मजाक ही तो था। मुझे पसंद नहीं। वाह, तुम मजाक करो तो सही, मैं मजाक करूं तो गलत? हाँ। You could call me the boss. I'm a little funky. You could call me.
लदा हमारे थाब और मेम थाब आ गए। यहां से एक फोन कर सकते हैं? झगड़ा हुआ, माँ बाप थे झगड़ा कर के आए हो। चौबीस बात देख चुका हूँ फिल्म बेताब, उसमें लड़की तो तुम्हारे देती है, लड़का थोड़ा छोटा है। हाँ ऐसा ही कुछ है। देखा हमारा अंदाजा ठीक निकला ना? कुछ खाने को मिलेगा? घंटा भी नहीं मिलेगा। कैसे दूंगा? तो मिल जाएगा, अंदर आ जा। बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ो। पापा को फोन कर रही हो? हाँ। मत करना, मुझे लगता है उनका फोन टैप्ड है। पिछली बार चर्च से फोन किया था, सब लोग वहां पहुंच गए। फिर पापा को कैसे बताएंगे हम लोग यहाँ पर हैं? रितु, आई एम सॉरी। निशा, निशा का फोन आया था अंकल। तुम टॉयलेट में पढ़ती हो क्या? अरे तुम टॉयलेट में पढ़ती होती नहीं, हिंदी समझ में नहीं आती तुम्हें? नहीं पढ़ती। तो क्यों नहीं पढ़ती हो? ये तो ज्यादा बात है, तुम लोग जैसे दबान हो जाते हो उतनी सीधी हरकतें करते हो, फिर भागते फिरते हो। क्या तुतुर पुतुर कर रही हो तुम उधर? पानी। पानी तो तोती उधर है, मुल्ला पीने लग दो। अच्छा हुआ तुम लोग दाद है, हमारा था बहुत हदामी है थाला, तीन तीन महीने से थाला गायब हो जाता है, हम यहाँ मथिया मारते रहते हैं, अब टाइम पास हो जाया करेगा हमारा। नहीं आजा बेटा, आजा बेटा, तुम्हारे लिए बिस्किट तैयार है। सो स्वीट। इसका नाम क्या है? दीनदयाल थर्मा। आपका नहीं? अरे मैंने उसका ही नाम बताया, मेरा नाम तो टॉमी है। तुम हट क्यों रही हो? दे तो अपना थुला थेल फजुत्ताबादी है, दीनदयाल थर्मा, टॉमी एंड माय फ्रेंड राधू, दिस इज माय फैमिली। याद हमारी बात सुनो, है था यकीन थान तुनो, दिथने पाप ना तिया हो। चाय नहीं पीते? बहुत अच्छे, हम पी लेंगे। आपको ठंड लग रही है क्या? नहीं अपनी तो ड्यूटी है ना, वो तो 24 घंटे पहनने पड़ते हैं कपड़े। चाय तो अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। एक बात बताऊं, तुम दोनों तो देखते कुछ पुरानी यादें तादा हो गईं। क्यों? लवितोरी की हमारी भी गांव में एक गर्लफ्रेंड थी, पादो। पादो और मैं दोनों थाथ थाथ स्कूल जाया करते थे एक ही बैलगाड़ी में, जबरदस्त इलू इलू चल रहा था हमारा। फिर पाजो की थादी हो गई माता जी के थाथ, स्कूल के जो मास्टर उनके थाथ। लेकिन हमने भी दादू पी के पादो के घटके थामने। ये तो देवदास की कहानी है। दुनिया में देवदास को एक ही हो सकता है क्या? अरे मेरी तो 14 थाल पुरानी कहानी है, देवदास तो कल बनी। बात करती हो
विकर, मेरा शेर कैसा है? उसे फोन दे। बोल। बहुत हो गया, वापस आ जा। उसकी लाश बिना नहीं। हाँ बोल कोटिया। शांति भाई, आपने बोला था वो डीसीपी रावत पे नजर रखने का, अभी अभी पता चला वो डीसीपी रावत मुंबई से बाहर जा रहा भाई। पात के गांव में होते आता हूँ, थोड़ा राशन पानी लेते आता हूँ, ठीक है? तब तक तुम लोग एंजॉय करो, चलो बेटा थलमा चलो। टॉमी जी, हाँ, हम यहाँ पर नहा सकते हैं? अरे नहाओ, थूप थूप नहाओ, थूप थुलते नहाओ, और सुनो तब में नहाना, और पात में मालतीन थे, अलमारी में टपरे भी है, अपना घर थम दो, देखते मैं थमता हूँ। अतः चलता हूँ, चल चलो बेटा थलमा चलो चलो चलो। अच्छा आदमी है। आसमान है शर्माया सा, गूंजा एक प्रेम राग है झनकाया सा, मन मेरा माने ना कुछ भी ये जाने ना, कह दो कह दो कह दो से प्यार है जाने जा मेरी जान। सिंदूरी आसमान है शर्माया सा, गूंजा एक प्रेम राग है झनकाया सा, तुझको बहाकर
तुम्हारे यहां रहना ठीक नहीं है। दिल्ली में मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुम कुछ दिन उनके पास रहो। तो हाले तूने माता दूध पिया तो हाथ लगा के दिखा, थाले लाथे बिठा दूंगा। गोली अब आए ना थिताने पे। गोली मत चलाओ, गोली मत। अरे कितनी माथुम कन्या को इतने मातोगे तो अच्छा नहीं लगता ना। मैं पांव पड़ता हूँ, गोली मत चलाओ। भाग बिल्ला था, दिखता तुम लोग। मुझे माफ कर दो। अरे तुम चिंता मत करो, लाथे बिठा दूंगा। गलत बात है, ये
मैं तुझे खाऊंगा, ये सब लोग देखेंगे, फिर ये सब मिलके तुझे खाएंगे और मैं देखूंगा। फिर से धोखा दे गई साली कुत्ती। लाश कहाँ है उसकी? भाग गया। वो डर के भागने वालों में से नहीं है। Thank you.
एक, दो, तीन। तीन बार शिकार हाथ से निकल जाए तो ये हंसने की नहीं, डूब मरने की बात है। तलवेकर मारा गया। और अब वो यहां आएगा, यहां। उसके छोटे छोटे टुकड़े करने का मजा मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा।
कोई बीच में नहीं आएगा। जिसने भी गोली चलाई उसे काट के रख दो।